بسم الله الرحمن الرحيم আলহামদুলিল্লাহ নাহমাদুহু ওয়া নাস্তাঈনুহু ওয়া নাস্তাগফিরুহু ওয়া নুমিনু বিহি ওয়া নাতাওয়াক্কালু আলাইহি ওয়া নাউযু বিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা ওয়া সাইয়্যাতি আ'মালিনা মান ইয়াহদিহিল্লাহু ফালা মুদিল্লা লাহু ওয়া মান ইউদ্লিলহু ফালা হাদিয়া লাহু واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا تمام تعریف اللہ رب العزت کے لیے ہے جس نے ہمیں اس دار فانی میں پیدا کیا اور ہمیں زندگی گزارنے کے لیے ایک بہترین نظام مکمل ضابطہ حیات عطا کیا بے شمار درود و سلام نازل ہوں سید الانبیاء احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے اللہ تبارک و تعالی کے پیغام کے ذریعے منتشر بکھرے ہوئے مختلف گروہوں میں بٹے ہوئے لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کر دیا جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ اے مومنوں تم اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے اور تمہاری وفات اسلام ہی کی حالت میں ہو اس آیت کریمہ میں مومنوں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ صرف اللہ تبارک و تعالی سے ڈریں کسی کا خوف کسی کی دھمکی ان پر اثر انداز نہ ہو اللہ کا خوف اللہ کی خشیت ان کے پیش نظر رہے اور عقیدہ توحید پر متفق اور متحد اور دین اسلام پر قائم رہیں اس آیت میں ہماری کمزوری کو واضح کیا گیا ہے
कि जिससे डरना चाहिए उससे हम डरें, मादी ताकतों से या आस्थानों से, कब्रों से, वहां के मुजावरों से हम हरगिज ना डरें और अल्लाह तबारक व तआला के तौहीद पर कायम व दायम रहें। वातसिमु बिहब्लिल्लाह जमीअन व ला तफर्रकु, और अल्लाह तबारक व तआला के रस्सी को मजबूती से थाम लो, वला तफर्रकु, और फिरकों में, गरोहों में ना बटो। इस आयत में उम्मत के लिए दरस इत्तेहाद है और हकीमाना उसूल बताया गया है। अगर उम्मत उस उसूल को अपना ले तो यकीनन उनके सारे इख्तलाफ दूर हो जाएंगे। और वो उसूल ये है कि अल्लाह के भेजे हुए निजाम हयात पर लोग अमल पैरा हूं, उसको अपना दस्तूर हयात बना ले, अपने तमाम इख्तलाफात में उसको फैसल बना ले। यकीनन मुसलमान मुत्तफिक और मुत्तहिद हो जाएंगे। वला तफर्रकू, गिरोह बंदियों, फिरका बंदियों से दूर रहें, इसलिए कि इख्तलाफ, नज़ा, इंतशार, शिकाक, फिरका बंदी ये उम्मत के लिए जहर है, बीमारी है, कमजोरी है, अल्लाह का अजाब है, उम्मत का तुगयान है, उद्वान है। और मुसलमानों पर जितने मसाइल, जितने मसायब आ रहे हैं उनका बुनियादी सबब यही है। अल्लाह तबारक व ताला ने दूसरी आयत में फरमाया, वला तनाज़ऊ फतफशलू वतज़हब रीहुकुम, तुम आपस में तनाज़ो, इख्तलाफ ना करना, वरना तुम नाकाम हो जाओगे और तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी। मालूम हुआ कि उम्मत की नाकामी का सबब, मसाइल और मसायब का सबब आपसी नजा, फिरका बंदी, खाना जंगी है। तारीख शाहिद है कि जब मुसलमानों ने अल्लाह तबारक व ताला की रस्सी को मजबूती से थामा और अल्लाह पर ईमान और कामिल ईमान और यकीन रखा, तो कम वसाइल और बज़ाहिर कमजोर होने के बावजूद भी अल्लाह तबारक व ताला ने मुसलमानों की हुक्मरानी दुनिया पर कायम कर दी, उनकी ताकत का सिक्का जमा दिया, खुशहाली और तरक्की के दरवाजे खोल दिए। और ना सिर्फ मुसलमानों ने बल्कि इस्लामी हुकूमत के मातहत रहने वाले गैर मुस्लिमों ने भी अमन, सुकून और चैन की जिंदगी देखी। लेकिन जब अल्लाह किसके किताब से अपने रिश्ते को कमजोर कर लिया और अपनी जिंदगी अल्लाह के दिए हुए निजाम हयात के बजाय दीगर निजामों, दीगर इज्मों के सुपुर्द कर दी, सही रास्ते से भटक गए, तो मसाइल और मुश्किलात में मुब्तला हो गए। आज हमारी हालत यही है कि हमने अल्लाह के दिए हुए तरीके को छोड़ करके दीगर नजरिया, दीगर तरीक़ाए जिंदगी को इख्तियार करके अपने लिए खुद मसाइल पैदा कर रहे हैं। और जब तक अल्लाह तबारक व ताला के रस्सी को हम मजबूती से पकड़ेंगे नहीं, हमारे मुश्किलात का खात्मा नहीं हो सकता। अल्लाह तबारक व ताला के किताब से दूरी, दीन इस्लाम से दूरी ये उम्मत के तफरके का सबब है। आलमी सतह पर मुसलमानों में जो इख्तलाफात पाए जाते हैं और उसकी वजह से आपस में जो नफरत की फिजा पैदा की जा रही है, उसके सबब 1.5 अरब से जायद मुसलमानों की कुव्वत
ना सिर्फ हवा में तब्दील हो रही है बल्कि आपसी नफरत की वजह से एक दूसरे के खून के प्यासे हो रहे हैं। 75 से जायद आजाद इस्लामी ममालिक हैं और दुनिया का कोई ऐसा मुल्क नहीं जहां पे इस्लाम के नाम लेवा मौजूद ना हो। कुदरती वसाइल के साथ साथ इंसानी वसाइल भी दीगर कौमों के बनिस्बत मुसलमानों के पास जायद है, ज्यादा है, सलाहियतें हैं, कुव्वत है, लेकिन ये तमाम चीजें आपसी इख्तलाफात की नजर होकर जाये हो रही हैं। आप दुनिया से एक सिरे से लेकर के दूसरे सिरे के किसी भी खत्ते में देखें, कहीं मुसलमान अम सुकून और चैन की जिंदगी नहीं गुजार रहे। उन पर मजालिम ढाया जा रहा है, उन्हें सताया जा रहा है, उनके वसाइल पर गैर अक्वाम काबिज हैं, उन्हें नस्ली तासुबात का निशाना बनाया जा रहा है, उनके तरक्की के राह में रोड़े अटकाए जा रहे हैं, उनके जमीन को गसब किया जा रहा है, लेकिन पूरी दुनिया तमाशाई बनी हुई है। अगर दुनिया के किसी खत्ते में कोई ईसाई या कोई यहूदी कत्ल कर दिया जाए तो दुनिया यहूदियत और नसरानियत में तूफान आ जाता है, पूरी दुनिया उसकी हिमायत में खड़ी हो जाती है। लेकिन दुनिया के बेशतर मुल्कों में मुसलमानों का कत्ल आम हो रहा है, लेकिन हमारी बेहिसी है जो खत्म होने का नाम नहीं लेती। एक अरसे से अफगानिस्तान, इराक, चिचनिया, मिस्र, शाम, बर्मा, वजीरिस्तान, आसाम में मुसलमानों के खून की होली खेली जा रही है, लेकिन मुस्लिम हुक्मरान तमाम के तमाम खामोश तमाशाई बने हुए हैं। इसकी वजह यह है कि वो अल्लाह की रस्सी जिसको थाम कर हमें तफरके से बचने का हुक्म दिया गया था, हमने उस रस्सी को छोड़ दिया है, पसे पुष्ट डाल दिया है। आज हम अपने वाज नसीहत खुतबों में दरसों में कुरान के बजाय फज़क्किर बिल कुरान, कुरान के जरिए नसीहत करो, उसको छोड़ करके दीगर गैर मनसूस किताबों के जरिए हम नसीहत करते हैं। वो कुरान जिसे लोगों को दिलों को मिटाने के लिए नाजिल किया गया था आज दूसरों के खिलाफ गवाही देने के लिए काम आता है। वो किताब जिस पर अमल करने से कयामत के दिन हमारी शिफात करती, आज हमने उसको पसे पुष्ट डाल दिया है। मेरे भाइयों, इस्लाम नज्म और इत्तेहाद की दावत देता है। इख्तलाफ, इंतशार, निजा, खल्फशारी सब को नापसंद करता है। आप इस्लामी इबादात पर नजर डालें, तमाम पूरी इबादात हमें इज्तिमाईयत की दावत देती है। नमाज को देखिए, हर शख्स तन्हा तन्हा नमाज अदा कर सकता था और तन्हा नमाज अदा करने में रिया व नमूस से महफूज और खुलूस व लिल्लाहियत के ज्यादा करीब तरीन था, लेकिन इसके बावजूद पंच वक्ता नमाजों के लिए हमें यह हुक्म दिया गया कि मस्जिद में जाकर के जमात के साथ नमाज अदा करें। इसी तरह जुमा और ईदैन के लिए भी शहर और गांव की जामे मस्जिद और ईदगाह में जाकर के एक इमाम के पीछे जमात के साथ नमाज पढ़ना लाजिम करार दिया गया ताकि बिरादराना मसावात की तरबियत हो, दिलों में इत्तेहाद जहती के जज्बे को फरोग मिले। इसी तरह जकात में भी इज्तिमाई निजाम को मलहूज रखा गया। जकात के जरिए मिल्लत के ज़ईफ और बेसहारा लोगों की मदद की जाती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तू खज़ मिन अग्नियाइहिम व तुरद्दु अला फुकराइहिम, कि मुसलमानों के मालदारों से जकात वसूल की जाए और उनके फकीरों पर उसे तकसीम कर दिया जाए। इसी तरह से पूरी उम्मत को एक महीने में रोजा रखने का हुक्म दिया गया। ऐसा भी हो सकता था कि मुख्तलिफ ममालिक के लोग अब अपने आबो हवा और मौसम के लिहाज से मुख्तलिफ महीनों में रोजा रखते, लेकिन नहीं, बल्कि तमाम लोगों को एक साथ रमजान के महीने में रोजा रखने का हुक्म दिया गया ताकि जमाती शान बरकरार रहे।
इसी तरह से पूरे दुनिया के मुसलमान मालदार मुसलमानों को एक ही वक्त में हज करने का हुक्म दिया गया। ये भी मुमकिन था कि मुख्तलिफ ममालिक के लोग मुख्तलिफ महीनों में आकर के हज बैतुल्लाह करते और इज्तिहाम में कमी होती, फरीज हज की अदायगी में जो दुश्वारी होती वो दुश्वारी ख़त्म हो जाती। लेकिन नहीं, इसके बावजूद तमाम लोगों को ज़िलहिज्जा के ख़ास अय्याम में आकर के मक्का में आकर खाने काबा का तवाफ़ करना और सफ़ा और मरवा की सही करना, अरकान हज अदा करने का हुक्म दिया गया, ताकि इज्तिमाईयत और आफाकियत का मिजाज मुसलमानों के अंदर पैदा हो और तमाम कौमियत वतनियत तहजीब और मुआशरत से बालातर होकर के तमाम मुसलमान एक मिल्लत मिल्लत इब्राहिम में गुम हो जाएं। मेरे भाइयों, इस्लाम में इत्तेहाद की कितनी अहमियत है, इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि उम्मत की वहदत के लिए बात ऐसी चीज़ों की भी इजाज़त दी गई है जो आम हालात में गुनाह बल्कि गुनाह कबीरा है। झूठ कितना बदतरीन गुनाह है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी किस कदर मजम्मत बयान की है। लेकिन दो मुसलमानों के दरमियान इख्तलाफात को दूर करने के लिए, शिकस्ता दिलों को मिटाने के लिए झूठ बोलने की इजाज़त दी गई है। अब आप गौर करें कि जब दो अफराद दो अशखास के दरमियान इख्तलाफ को दूर करना इतना अहम है, तो दो गरोहों दो जमातों दो तंजीमों के दरमियान इख्तलाफ को दूर करना और उन्हें एक प्लेटफार्म पर लाना किस कदर अहम होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि इमाम मुक्तदियों के नमाज का जिम्मेदार है, जामिन है, यानी इमाम को आला तरीन सिफात का हामिल होना चाहिए, साहिब इल्म हो, कुरान अच्छी तरह पढ़ने वाला हो, वरा तकवा का हामिल हो। लेकिन इसके बावजूद अगर कोई खराब शख्स इमामत पर फाइज हो जाए और इमामत से उसको हटाना फितना और इख्तलाफ का बाइस हो, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म दिया है कि हम उसी के पीछे नमाज पढ़ें। खल्लु खल्फ कुल्ले बर्रिन व फाजिर, कि हर अच्छे और बुरे के पीछे नमाज पढ़ो, यानी निस्बतन कम बेहतर इमाम के पीछे नमाज पढ़ना इख्तलाफ इंतशार से कमतर है। जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इख्तलाफ और इंतशार को दूर करना किस कदर अहम है। हमारी बदकिस्मती ये है कि एक तो हम मुख्तलिफ टोलियों में बटे हुए हैं, आपस में उलझ रहे हैं, और दूसरे मुसलमानों में पढ़े लिखे समझदार बाशऊर हजरात इन इख्तलाफ को दूर करने की कोशिश नहीं करते, मुसलमानों में सुलह कराने की कोशिश नहीं करते। हालांकि मुसलमानों में सुलह कराना, उनके इख्तलाफ को दूर करना, ये उम्मत के इज्तिमाई फराइज में दाखिल है। आप जानते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमात के साथ नमाज पढ़ने का कितना एहतमाम करते थे, यहाँ तक कि मरजुल मौत में भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी ना किसी तरह से नमाज में हाजिर जमात में हाजिरी देते थे, बल्कि बसा औकात तो दूसरों का सहारा लेकर के भी आप जमात के लिए आते थे। आप उसी वक्त आपसे जमात फौत हुई जब आप बिल्कुल मजबूर हो गए। लेकिन कबीले अमर बिन औफ के मुसलमानों के दरमियान सुलह कराने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए और इतनी ताखीर की कि जमात का वक्त हो गया, सहाबे किराम इंतजार करते रहे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ नहीं लाए। बिल आखिर हज़रत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु को इमाम बनाया गया और फिर उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ला करके जमात में शामिल हुए। आज हमें ना इस्लाम की परवाह है, ना मिल्लत इस्लामिया के मफाद की परवाह है। आज हम अपने जाती मफाद दुनियावी अगराज व मकासिद के लिए कौम को तकसीम दर तकसीम करके उसकी लुटिया डबो रहे हैं। अगर हम मिल्लत इस्लामिया के इस्तेहकाम
बका और दवाम चाहते हैं तो तमाम इम्तियाजात नस्ली जबानी मसलकी तमाम इम्तियाजात से बालातर होकर मिल्लत इस्लामिया की बालादस्ती के लिए काम करना होगा। सलफ सालहीन का हाल यही था, उन्होंने कभी अपनी जाती आरा और नफसानी ख्वाहिशात के लिए कोई कदम नहीं उठाया, बल्कि मिल्लत इस्लामिया के लिए अगर उन्हें अपनी शख्सियत अपने मुकाम अपने मर्तबे की कुर्बानी देनी पड़ी तो बिला तरद्दुद उन्होंने कुर्बानी दे दी। और इसका एक अहम इसकी एक अहम मिसाल मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। मुजाहिदीन इस्लाम के सिपे सालार आजम हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अनु से कौन वाकिफ नहीं। आपकी फौजी बसीरत दिफाई लियाकत और हरबी हिकमत अमली की तारीफ खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई और आपको सैफुल्लाह अल्लाह की तलवार का खिताब दिया। आपका नाम सुनकर कैसर और किसरा यानी शाम और फारस के जर्नेलों पर कब कभी तारी हो जाती थी। एक मरतबा बाज हिकमतों और मसलहतों की वजह से अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अनु ने ऐन उस वक्त उन्हें माजूल कर दिया जब आप शाम के महाज पर मैदान यरमूक में कैसर की फौजों से लोहा ले रहे थे, उनका नातका बंद किए हुए थे। लेकिन कुर्बान जाइए, जो ही माजूली का परवाना उन्हें पहुंचा अपनी बलंतरीन शख्सियत को एक आम सिपाही के दर्जे पर गिरा बिला तकल्लुफ गिरा लिया। कोई एतराज कोई शिकवा कोई मुखालफत कोई तबसरा नहीं किया, सिर्फ एक जुमला दिल की गहराई से निकला कि इब्ने वलीद तो अल्लाह का मामूली सिपाही है, वो अल्लाह तबारक व ताला की रजा के खातिर लड़ रहा है, मिल्लत इस्लामिया की बालादस्ती के लिए लड़ रहा है, खास सिपे सालार की हैसियत से लड़े या आम सिपाही की हैसियत से लड़े। आज हमारा हाल क्या है? आज हमें अपना मफाद अजीज है, मिल्लत इस्लामिया के मफाद कि हमें कोई परवाह नहीं, मिल्लत को सामने रखकर हम सोचने के लिए जरा भी तैयार नहीं। और इसी की वजह से आज मिल्लत इस्लामिया के मफादात को सख्त नुकसान पहुंच रहा है और उसका अमली मुजाहरा अभी हमने इंडिया के हालिया इलेक्शन में देखा। आपसी इख्तलाफ इंतिशार नाआकिबत अंदेशी की वजह से मुसलमानों को सख्त हजीमत का सामना करना पड़ा। गैर सरकारी अंदाजों के मुताबिक हिंदुस्तान में मुसलमानों की तादाद 20 करोड़ से जायद है। इतनी बड़ी तादाद के तनासुब से पार्लियामेंट में 80 से जायद मुसलमानों की सीटें होनी चाहिए, लेकिन एक चौथाई सीट ही हासिल कर सके। और उत्तर प्रदेश जहां पे मुसलमान दीगर सूबों से ज्यादा तादाद में हैं, बड़े ही शर्मिंदगी और अफसोस और दुख की बात है कि वहां से एक सीट भी मुसलमान हासिल नहीं कर सके। यह आजाद हिंदुस्तान की तारीख में पहली बार ऐसा हुआ है। आजादी के बाद से 15वें लोकसभा के इंतखाब तक हमेशा मुतअद्दिद सीटें मुसलमानों ने हासिल की। गुज़िश्ता इलेक्शन में भी 7 मुसलमान उम्मीदवार यूपी से चुनकर आए थे, लेकिन इस बार 18% मुसलमानों की नुमाइंदगी करने वाला सूबा, वहां से उनकी नुमाइंदगी करने वाला कोई एक मुसलमान भी वहां नहीं पहुंचा। और इस तरह से और कई सूबों की बात है जहां पे मुसलमानों का खाता नहीं खुल सका। और ये किसी लहर की वजह से नहीं हुआ, बल्कि मुसलमानों के आपसी इख्तलाफात की वजह से जहां मुसलमान जीतने की पोजीशन में थे वहां एक से जायद उम्मीदवार खड़े हो गए, 4-4, 5-5 उम्मीदवार खड़े होकर के और मुसलमानों के वोटों को तकसीम करके उन्हें बेअसर कर डाला। और नतीजा ये हुआ कि ना खुद जीते ना दूसरों को जीतने दिया और गैर कौम
गैर कौमों ने वहां से फायदा उठाया। और अगर अब भी मुसलमान इससे सबक हासिल नहीं करेंगे और अपने सफों में इत्तेहाद पैदा नहीं करेंगे और दूरंदेशी से काम नहीं लेंगे तो इनकी आइंदा, इनकी हालत बद से बदतर होती जाएगी, इनका कोई वजन और इनकी कोई हैसियत नहीं रह जाएगी। इसलिए जरूरत इस बात की है कि मुसलमान इन वाकयात से इबरत हासिल करें, अपने सफों में इत्तेफाक और इत्तेहाद पैदा करें और मिल्लत का मफाद अपने जाती मफाद पर अजीज मुकद्दम हो, मिल्लत का मफाद ज्यादा अजीज हो। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला मुसलमानों के सफ़ों में इत्तेफाक और इत्तेहाद पैदा करने की तौफीक अता फरमाए और इख्तलाफ और इंतशार से उन्हें बचाए, उनके दिलों में मोहब्बत पैदा करे। अकूलु क़ौली हाज़ा वास्तग़फिरुल्लाह ली वलकुम वलिसाइरिल मुस्लिमीना मिन कुल्लि ज़म्ब फस्तग़फिरू इन्नहू वल गफूरुर रहीम।